हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ओरन स्टेट स्टूडियो। तो आई होप आपका दिन अच्छा बीत रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ नया व क्रिएटिव मोशन ग्राफिक्स बना के दिखाएंगे। तो चलिए पहले एक नज़र देख लेते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम इस वीडियो में कुछ इस तरह का इफेक्ट बनाने वाले हैं। यह मूविंग न्यूज़पेपर इफेक्ट है, इसे आप काइन मास्टर की मदद से बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर कुछ टिप्स शेयर करते रहता हूँ। तो जाइए और फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो काइन मास्टर को ओपन कीजिए, सेटिंग में जाइए, डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप एंड ऑफ ए लेयर दोनों में टाइम ड्यूरेशन को 15 सेकंड कर लीजिए। अब बैक जाइए, 16:9 में न्यू प्रोजेक्ट को इंसर्ट कीजिए। अब अपनी गैलरी में से कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए जिसे आपको एज ए न्यूज़पेपर फोटो यूज़ करना है। अब फोटो लेयर पर क्लिक कीजिए, क्लिप ग्राफिक्स में जाइए। तो पहले आपको इस इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा। तो क्लिप ग्राफिक्स में सबसे नीचे जाइए, गेट मोर के ऑप्शन पर जाइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट हैं, तो इनमें से हमको न्यूज़पेपर इफेक्ट डाउनलोड करना होगा। तो न्यूज़पेपर इफेक्ट आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस पर क्लिक कीजिए, इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कुछ ही सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब वापस जाइए, क्लिप ग्राफिक्स पे जाइए, तो आपको न्यूज़पेपर इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा, पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें 8 आपको अलग अलग तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये 8 अलग अलग तरह से एनिमेट होंगे। आप इसमें अपने अनुसार कोई भी इफेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें मैं 8th इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर साइड में आपको कुछ एम्प्टी बॉक्स देखने को मिलेंगे जहां पर आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। एम्प्टी बॉक्स की सही पोजीशन जानने के लिए पहले हमको इसमें नंबर ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैं कर रहा हूं, आपको कुछ इस तरह से करना है। नंबर आपको बॉक्स की एक्यूरेट पोजीशन बताएंगे जिस अनुसार आप अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूं। आप इसमें अपने फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हर एम्प्टी बॉक्स में आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। आप इसमें अपने टेक्स्ट को पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सभी टेक्स्ट और फॉन्ट को सही तरह एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं कि यह इफेक्ट वीडियो पर कैसे अप्लाई होता है। तो 16:9 में न्यू प्रोजेक्ट को इंसर्ट कर लें, गैलरी में से अपने वीडियो फाइल को इंसर्ट कर लें, क्लिप ग्राफिक्स में जाकर न्यूज़पेपर इफेक्ट को अप्लाई कर लें। पिछली बार की तरह हर एक एम्प्टी बॉक्स में नंबर को ऐड कर लें जिससे आपको एक्यूरेट पोजीशन का पता चल जाएगा। अब नंबर के अनुसार अपने टेक्स्ट को एम्प्टी बॉक्स में ऐड कर लें। तो यहाँ पर भी मैं अपने टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट फॉन्ट को सही जगह पर असेंबल करने के बाद आप फाइनल में कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा।
अब थर्ड वाले इफेक्ट को भी हम इसी वीडियो पर अप्लाई करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक एम्प्टी बॉक्स रह चुका है, तो हम उसमें भी अपना टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। सभी टेक्स्टों को अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फाइनल आउटपुट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय योर डे।